नमस्कार, न्यूज क्लिक के इस डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में 67,000 नए मामले, एक दिन में 942 मरीजों की मौत। देश बचाओ के नारे के साथ सड़कों पर निकले मजदूरों और आशा कर्मियों पर मुकदमा। खतरे में हैं हम भारत के लोग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार 13 अगस्त सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 66,999 नए मामले सामने आए। इसके अलावा देश भर में कोरोना से 942 मरीजों की मौत हो गई है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 56,383 मरीजों को स्वस्थ किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 23,96,637 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट 70.76% हो गया है, यानी कुल संक्रमित मरीजों में से अभी तक 16,95,982 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण अभी तक 47,033 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 6,53,622 हो गई। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 2,68,45,688 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 8,30,391 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई। मजदूर किसानों के देशव्यापी देश बचाओ आंदोलन के तहत जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को लेकर सनसर मार्ग थाने में सोमवार को सेंट्रल ट्रेड यूनियन और आशा वर्कर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। यह जानकारी DCP ईश सिंघल ने ट्वीट कर दी। दरअसल मजदूर संगठन लगातार पिछले कुछ महीनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु कोरोना महामारी के बाद यह पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में मजदूर किसान और स्कीम वर्कर्स ने एक साथ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि संगठन के पास प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी, इसके बाद भी भीड़ के साथ प्रदर्शन किया गया, जबकि मजदूर संगठनों ने साफ किया कि ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। एक तरफ सरकार मजदूरों की नौकरी छीन रही है और दूसरी तरफ जब मजदूर उसका विरोध कर रहे हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज कर रही है। पुलिस के मुताबिक IPC की धारा 188 एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। प्रदर्शन के दौरान सेंट्रल ट्रेड यूनियन और आशा वर्कर्स के बैनर तले करीब सैकड़ों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर आए। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। पुलिस ने कहा इस प्रदर्शन के दौरान कई महिलाओं ने ना तो मास्क पहना था और ना ही कुछ और उपकरण उनके पास थे। वहीं ट्रेड यूनियन के प्रदर्शन में भी लगभग इतने ही लोग आए थे। DCP ने बताया कि अनलॉक 3 के दौरान बिना किसी जरूरी काम के जनता के घर से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। ऐसे में अगर नियम तोड़ते हुए बिना किसी वजह के कोई भी भीड़ एकत्र करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खोज खबर में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने उठाया कारवा मैगजीन वेबसाइट के 3 पत्रकारों पर दिल्ली में भीड़ द्वारा की गई हिंसा का सवाल, जिसमें महिला पत्रकार को यौन उत्पीड़न का शिकार भी बनाया गया। मकबूल शायर राहत इंदौरी को उनके शेर गजलों के जरिए याद करते हुए उत्तर प्रदेश में सुदीक्षा भाटी और निशु की हत्या से जुड़े अहम बिंदुओं को भी सामने रखा। आइए सुनते हैं भाषा को। ये शब्द आप तक भी पहुंचे होंगे और नहीं पहुंचे तो पहुंचने चाहिए। ये शायद भारत के हुक्मरानों के लिए, हमारी जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और ये जो जलते हुए अल्फाज हैं उनके, आप देखिए कि आज एक आयरनी की तरह हमारे सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह के वाकये, जिस तरह के इंसिडेंट हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का हो गया है। यहाँ संविधान अब उस तरह से जिंदा दिखाई नहीं देता, कम से कम जो घटनाएं देश की राजधानी दिल्ली या उत्तर प्रदेश या कोने कोने से हमारे सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि राहत साहब, आपने जो ठोक के कहा था कि यह हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, आज लगता है कि कम से कम इस देश के जो गुंडे हैं, लफंगे हैं, दक्षिणपंथी ताकते हैं, उन्होंने यह ऐलान करना शुरू कर दिया है कि यह देश उनके बाप का है। वरना क्या यह संभव है कि देश की राजधानी दिल्ली में 3 पत्रकारों को सरेआम पीटा जाए और कोई हंगामा ना हो, कोई गिरफ्तार ना हो? यह वाकया दिल्ली में हुआ, दिल्ली के उस इलाके में हुआ जहां पर फरवरी में दिल्ली को जलाया गया था, और ये पत्रकार उस समय भी वहां पर रिपोर्टिंग करने गए थे। इस समय कारवान मैगजीन के
तीन पत्रकार जिसमें प्रभजीत सिंह और शाहिद तांत्रे एक महिला पत्रकार के साथ गए थे सुभाष मोहल्ले में रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि वहां पर खबर मिली थी कि 5 अगस्त को जिस समय अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा था, प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के साथ बैठे हुए थे, उस समय इस इलाके में जो मुस्लिम बहुल इलाका है यहाँ पर भगवा झंडा फहराया गया था, बहुत से घरों में लगाया गया था। इस खबर की तफ्तीश करने, इसको इन्वेस्टिगेट करने ये तीनों पत्रकार इस मैगजीन इस वेबसाइट के हैं जो वहां गए हुए थे, और देखिए क्या क्या उनके साथ हुआ। और खास तौर से जो महिला पत्रकार जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, कारवां मैगजीन ने अपना स्टेटमेंट जारी किया, अपना बयान जारी किया है, उसे पढ़कर इतना हौलनाक अनुभव होता है कि लगता है कि कहीं से भी इस देश में कानून नहीं है। इस बयान को पढ़ते समय देखते समय यह जरूर सोचिएगा कि यह जो महिला पत्रकार है, इसकी जगह आप हो सकती थी, मैं हो सकती थी, आपकी कोई परिचित हो सकती है, बेटी हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है, कोई भी महिला जो प्रोफेशनल काम करने सड़क पर निकली हुई है। इस महिला ने अपने बयान में और कारवां मैगजीन ने भी अपने बयान में बताया कि जब भीड़ ने उन पर हमला किया, दोनों पत्रकारों की पिटाई करने लगे, तब यह महिला बड़ी मुश्किल से जान बचा के दूसरी गली में भागी और वहां भीड़ ने उसे घेर लिया, भीड़ ने उसकी फोटो खींची, वीडियो खींचे, उसके ऊपर हमला किया। और एक जो मिडिल एज व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 30 से 40 साल थी, उसने सरेआम सारी भीड़ के सामने अपने प्राइवेट पार्ट्स इस महिला के ऊपर दिखाए, अश्लील गंदी बातें कहीं, सब कुछ सबके सामने चल रहा था। और जो बयान दे रही है इस समय यह टीम, उसके हिसाब से जब हमला हुआ उसके आसपास पुलिसकर्मी भी थे, इस महिला को बचाने कोई नहीं आया। बहुत चोट लगी, इसकी छाती पे मारा गया, इसके नितंबों पे मारा गया, इसे सर पे चोट लगी, सब कुछ चलता रहा दिन दहाड़े। भीड़ को पता था कि उनका कुछ नहीं होगा, यह भीड़ शायद वही भीड़ रही होगी जिसे पता था इस दिल्ली को जलाते समय भी कि हम जला देंगे, 53 इंडियन सिटीजन्स को मार डालेंगे जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं, और होगा कुछ नहीं। इन तीनों पत्रकारों पर हमला करने वाली भीड़ खुद को भाजपा से जुड़ा हुआ बता रही थी। इसमें एक व्यक्ति ने खुलेआम कहा कि वह भाजपा का महासचिव है, ये है नहीं है, भीड़ भगवा कपड़ा पहने हुए थी, यह सब पत्रकार बता रहे हैं। हमारा सवाल बहुत सीधा सीधा यहाँ है, किससे है ये तो हम नहीं कह सकते कि दिल्ली की पुलिस से है, दिल्ली के मुख्यमंत्री से है, प्रधानमंत्री से है, भाजपा प्रमुख से है, यह सवाल हम आप भारतीय नागरिकों से है कि यह आलम अगर देश की राजधानी में है कि सरेआम अपने प्रोफेशनल वर्क करते हुए लोगों पर हमला हो, भीड़ को पता हो कि उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, वह खुलेआम डिक्टेट करे कि यहाँ का वीडियो ना उतारो। आप देखिए जो शाहिद हैं, जो फोटोग्राफर हैं, जो वीडियो ले रहे थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि किस तरह से भीड़ ने घेरा और पूछने लग गए कि तुम्हें यह खबर किसने दी, यानी खबर सच्ची है या झूठी यह तो बाद में होगा, आप जाके वहां पर पड़ताल करना चाहेंगे तो भी आपका कुछ भी हो सकता है, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। पुलिस का जो बयान आया है वह भी आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रहा होगा, वहां पर साफ साफ उन्होंने कहा है कि पुलिस उन्हें किसी तरह से बचा के ले आई, घटना से इनकार नहीं कर पाई पुलिस। लेकिन पुलिस के बयान में एक जो बहुत अहम बात है, वह पूछते हैं कि हमें पता नहीं कि ये लोग वहां क्या करने गए थे, हम FIR अपनी जांच करने के बाद करेंगे। यानी दिल्ली में सरेआम सबके सामने तीन पत्रकारों पर हमला होता है, महिला पत्रकार पर यौन हमला होता है, यौन हिंसा होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ कागजों में दर्ज होता है, लेकिन FIR नहीं होती। ये वही दिल्ली है, ये वही पुलिस है जो तमाम चीजों पर बात बात में FIR करती रही है। इसी दिल्ली को जलाने के मामले में जिस तरह की जांच चल रही है, पत्रकारों से घंटों घंटों पूछताछ चल रही है, 10-10 घंटे पत्रकारों को बैठाकर उनसे पूछा जा रहा है,
वही पुलिस जब पत्रकारों पर हमला होता है, महिला पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, कहती है कि हम जांच कर रहे हैं। हम आपके साथ पहले भी कई कार्यक्रमों में ये साझा कर चुके हैं कि नया भारत, नया देश, नया विधान बन रहा है और इसकी तमाम घटनाएं हमारे चारों तरफ हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो निश्चित तौर पर सुबह शाम आपके सामने इस तरह की घटनाएं आ रही होंगी। सुदीक्षा भाटी के साथ जो हुआ वह तो आपने सुना ही होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की यह टॉपर लड़की, जिसके घर में बहुत ही कम शिक्षा थी, अपने शिक्षा के बल पर इसने गौरव हासिल किया। अपनी शिक्षा के बल पर यह गई सात समंदर पार, अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से दाखिला मिला। वहां पढ़ रही थी सुदीक्षा, कोरोना के समय घर आई। घर में दादरी की रहने वाली सुदीक्षा बाइक पर अपने परिजनों के साथ रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। अब देखिए जो उनका कजन है, जो उनका भाई है, वह किस तरह से बिलख कर बयान दे रहा है। उसने बताया कि किस तरह से पूरे रास्ते गुंडे तंग करते रहे, वह बाइक पर सामने आ रहे थे और लगातार सुदीक्षा को निशाने पर लिए हुए थे। साथ में चाचा भी थे, बाइक पर ही सवार थे तीनों। और जो होता है वह दिल दहलाने वाला है। इन गुंडों को, इन लफंगों को पता था कि इनका कुछ नहीं होगा। ये सरेआम छेड़ते हैं, बाइक भिड़ाते हैं, स्टंट करते हैं। सुदीक्षा बाइक से गिर जाती हैं, मर जाती हैं, उनके सपने मर जाते हैं। यह सपने हमारे और आपके भी हैं, हमारे और आपकी बेटियों के लिए हैं, हमारे खुद के लिए हैं। हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा पढ़ें। मोदी सरकार का भी नारा रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब बेटी पढ़ती है तब उसे किस तरह से मारने के लिए जो लफंगे आते हैं, उनका बाल भी बाका नहीं होता है। यह जो लॉलेसनेस है, ये जो कानून से ऊपर पूरी की पूरी टीम पैदा कर दी है इन सरकारों ने, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन बचाएगा इस लोकतंत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों को, बेटियों को, महिलाओं को, तमाम लोगों को? यह सवाल इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। और इस पर सबसे बड़ी विडंबना यह कि उत्तर प्रदेश पुलिस इसे महज एक्सीडेंट के मामले में तब्दील करना चाहती है। वह कह रही है कि कहीं से भी हैरेसमेंट या छेड़छाड़ की घटना नहीं हुई। यह शायद एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल सिर्फ सुदीक्षा का नहीं है, सवाल नीशू का भी है, जो एक छोटे से इलाके में रहती थी, जालौन के उरई इलाके में। निशू जो महज 19 साल की थी, वह अपनी सहेलियों के साथ मोबाइल की दुकान पर गई। वजह कुछ भी हो सकती है, जो परिजन बता रहे हैं कि किसी और सहेली का मोबाइल खराब था, वह चाहती थी दुकान पर जाना और उसे ठीक कराना। परिजनों के मुताबिक इस दुकान पे कुछ लफंगे आए, उन्होंने इन लड़कियों की फोटो और वीडियो बनानी शुरू की, जिस पर इन लड़कियों ने गहरा एतराज जताया। ठीक उसी समय पुलिस आती है, ये लड़के इन लड़कियों को सबक सिखाना चाहते हैं, इनको गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है। 3 बजे पुलिस ले गई, 7 बजे तक थाने में कोतवाली में बैठाए रखा। और जैसा कि बाकी सहेलियों ने बताया, परिजनों ने बताया, भीषण अभद्रता की गई इन तीनों बच्चियों के साथ, तमाम तरह की गालियां दी गई और भी ना जाने क्या क्या। आप और हम समझ सकते हैं कि क्या किया होगा पुलिस ने। इतना प्रताड़ित थी तीनों लड़कियां, जब घर आई 10 बजे, परिजनों का कहना है कि 10,000 रुपए लेकर छोड़ा गया निशु को और बाकी लोगों को, और कहा गया कि अगले दिन सुबह फिर 8 बजे आना है। निशु के साथ जो हुआ वह उसे झेल नहीं पाई। सुबह होने से पहले उसने घर में ही फांसी लगा दी। यह फांसी नहीं है, यह हत्या है। इस हत्या के जिम्मेदार लोग अभी भी खुले छूट रहे हैं। और शायद जिस तरह का रामराज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चलाया जा रहा है, इस तरह के हत्यारे, लफंगे, यही सच में इस देश के ठेकेदार बनते जा रहे हैं। यह जब आलम है हमारे देश का, हमारे हुक्मरानों का, ठीक उसी समय इससे लड़ने का हौसला भी जिंदा है। और ये बहुत बड़ी बात है। इसकी एक मिसाल, इसका एक एग्जाम्पल हमें 9 अगस्त को पूरे देश भर में देखने को मिला, जहां पर आशा कर्मी सहित तमाम मेहनतकश लोग सड़कों पर आए
और उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। वह भी ऐसे समय जिस समय दमन चक्र बहुत बर्बर है, जिस समय कोरोना का संकट बहुत बर्बर है, देश में पहली बार शायद कोरोना काल में इतने बड़े पैमाने पर देश के कोने कोने से लोग बाहर निकले, दिल्ली के जंतर मंतर पे लोग पहुंचे, और शायद इसी को राहत इंदौरी भी अपने शब्दों में कह गए। हमें दिखाई देता है कि बकौल राहत इंदौरी, मजा चखा के ही माना हूं दुनिया को, मजा चखा कर ही माना हूं दुनिया को, समझ रही थी ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। न्यूज़ क्लिक की डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।